कोरोना वायरस पर विश्व कैथोलिक इग्निशियस डिसूजा विश्व ड्रेसेस ऑफ बरेली का बड़ा बयान। मैं बिशप इग्निशियस डिसूजा बरेली कैथोलिक धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष हूँ। कोरोना वायरस जो है दोबारा वापस आया है, इसको लेकर देश में महामारी फैली हुई है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? मैं सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील करता हूं, मतलब जितना तैयारियां एक साल में हमें होनी चाहिए तो हो नहीं पाई, शायद ये हमारा देश का दुर्भाग्य होगा कि हम किस बात पर प्रायोरिटी देते हैं। और एक साल में जब पहले कोरोना महामारी फैल गई थी तभी साइंटिस्ट लोगों ने कहा था कि ये दोबारा लौट आएगी, लेकिन हमारे देश में अभी ये जो अभी दूसरी बार ये फैल रहा है, इसके लिए अब तक ना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अब तक कोई तैयारियां नहीं की गई हैं, ये दुख की बात है। मैं समझता हूं सबसे पहले इस महामारी के संकट के दौरान हमें हमारे परंपराओं को, हमारे कुछ फेस्टिवल को लेकर या इलेक्शन को लेकर, ये सारी चीज़ों को शायद हम लोग टाल सकते थे, और जो जनता के पीड़ा में संकष्ट हैं उसके ओर सरकार का ध्यान होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। अभी तो देश की हालत बहुत ही गंभीर है और परिस्थिति शायद कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, फिर भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं यदि जो लगन, जो जिज्ञासा और जो तैयारियां सरकार इलेक्शन के लिए या धार्मिक परंपराओं के गतिविधियों के लिए अब तक सरकार ने की है साल भर, वैसे ही लगन के साथ यदि अभी भी कुछ इस महामारी से जनता को बचाने के लिए कर सकते हैं तो होगा ज़रूर, लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार के पास। इसलिए मेरा अनुरोध है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि देश के जनता को बचाएं इस महामारी से, और जो भी हो सके पूरा तन मन धन लगाकर देश के लोगों की, जनता को इस महामारी से बचाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा जनता से, अभी हमें अपने आप को बचाना है, कोई बचाने वाला है नहीं, तो इसलिए जो भी अब तक हम लोगों को सूचनाएं दी गई हैं, जैसे कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो शायद हम लोगों को इन नियमों को बहुत ही सख्ती के साथ हमें उनका अनुकरण करना पड़ेगा। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप मास्क पहने। मास्क इसलिए पहनना है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मास्क पहनने से किसी इंसान का प्राण या जीवन बच जाएगा इस वायरस से, और जो दो गज की दूरी हमें बनाए रखनी है। मैं अपील करता हूं जनता से, देखिए आप अपने आप को समझ लीजिएगा, अपने परिवार के बारे में ख्याल रखिएगा, बच्चों को संभालिएगा। काफ़ी हजार लोग बच्चे आज के दिन इस महामारी के शिकार हो चुके हैं, और ये पहले कहा जाता था कि ये बुज़ुर्गों को ज़्यादा सताएगा, लेकिन आजकल देखा जाए कि तो सभी युवा युवतियां, छोटे बच्चे, इसका इसमें कोई एज का पाबंदी नहीं है, सभी लोगों को ये बीमारी आ सकती है, आ भी गई है। इसलिए देखिए हमारे जीवन में हमें एक बात ध्यान में रखना है, दूसरों के प्रति हमारा अच्छा सोच, चैरिटी कहते हैं हम लोग, चैरिटी वही है कि हम दूसरों की भलाई सोचें। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी बाहर निकलता हो मास्क पहने, और जो सैनिटाइजेशन करना है घरों को या अपने हाथों को या अपने शरीर को, उसको उचित रीति से करने से शायद हम अपना ही मतलब शरीर को इस
कीटाणु या वायरस से हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे और दूसरों को भी हम बचा सकते हैं। इच्छा शक्ति जरूरी है, हमें ईश्वर ने इतने चिन्ह दिए हैं अभी तक, यदि अब हम नहीं समझेंगे तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर पूरे जनता से, विशेष रूप से बरेली वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस बीमारी के बारे में काफ़ी गंभीर रूप से सोचें। देखिए, अस्पताल सभी भर्ती हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं और चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स नर्सेज की हमारे देश में कमी है। तो हमें, यदि अपने आप को बचाना है, खुद को इसमें पूरे लगन के साथ सरकार का हमें साथ देना पड़ेगा और जो भी नियम बनते हैं उसका आप लोगों से अनुरोध करता हूं, उसको आप बिल्कुल काफ़ी सख्ती के साथ मानने का कष्ट करें। आप सबको और आपके चैनल को, मेरे इस संदेश को आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। नजर हर खबर पर।